keep it going, I'm rolling and flowing. I'm coasting, I got them all trolling me right. I just keep growing and showing them knowing I'm owning this flow, you can catch me outside. Gonna get them all with a little payback. Never gonna fall, I'm a stay. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेमिंग पार्टो। तो भाई लोग आज का जो वीडियो है ना बहुत ही खास होने वाले है, और जो थंबनेल वाला शॉट मतलब इतना गजब हुआ था कि भाई क्या बताऊँ, ओपोनेंट का दिमाग घूम गए थे वो शॉट देख के। तो बिना स्किप किए एंड तक वीडियो पे बने रहो, क्योंकि बहुत सारे इनडायरेक्ट शॉट्स आप लोगों को दिखने को मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो बस वीडियो पे एंड तक बने रहो, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखो चैनल को, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखो ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों को मिस ना हो जाए। तो चलिए सीधे ध्यान देते हैं गेम प्ले पे। ऊपर जो उसका फ्रेम पे मेरा कॉइन है उसको हम लॉन्ग कट लेते हुए अपना जो बाएं तरफ कॉइन है उसको हम थोड़ा रिलीज़ कर लेंगे, और दाएं तरफ फ्रेम पे जो मेरा दो कॉइन्स है वो ऑलरेडी रिलीज्ड है, तो उसको हम आसानी से पॉट कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये वाला भी रिलीज़ होकर आ चुका है मेरा हैंड साइड पे, तो अभी हम इसको टॉप लेफ्ट पे लेते हैं सिंगल। इसका बाद जो ये वाला कॉइन है इसको हम लेते हैं टॉप राइट पे, और आखिर में जो कॉइन है उसको हम टॉप राइट पे लेके इस बोर्ड को करते हैं फिनिश। ये एक ब्रेक टू फिनिश था एनीवेज। तो चलिए नेक्स्ट गेम प्ले पे ध्यान देते हैं। तो भाई लोग ये वाला भी एक ब्रेक टू फिनिश था, तो बिना स्किप किए देखते रहो क्योंकि बहुत ही गजब हुआ था ये वाला ब्रेक टू फिनिश। मतलब एकदम इम्पॉसिबल पोजिशन से हम इसको फिनिश किया था, तो देखते रहिए हम कैसे इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। अभी देखिए दाएं तरफ जो मेरा फ्रेम पे जो कॉइन है हम उसको थोड़ा क्रॉस खेलेंगे पहले, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल। तो इसको हम क्रॉस खेलते हुए थोड़ा रिलीज़ करने के लिए ट्राई किया, लेकिन नहीं हुआ रिलीज़। अभी देखिए आप लोग देख सकते हो यार, कोई भी मेरा पक नहीं जाते। तो हम क्या करेंगे ना, अपना बॉटम लेफ्ट पे एक कनेक्शन बना के मारेंगे। तो ये वाला शॉट अगर पसंद हुआ तो ज़रूर वीडियो पर लाइक करना, ओके। तो भाई लोग ऐसा और भी इनडायरेक्ट शॉट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी वीडियो पे, तो स्किप मत करिए गाइस, ठीक है। तो अभी देखिए ये वाला शॉट जो नेक्स्ट शॉट है हम कैसे मारते हैं। कनेक्शन बनाएंगे 1 2 3 4, ये 4 कॉइन से। ओके, तो भाई लोग शॉट अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाना, ठीक है। अभी देखिए क्या करते हैं हम, ये वाला जो कॉइन है इसको हम सिंगल नहीं जा रहे, थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे उधर से, ठीक है। चलिए इसको फिर से हम कनेक्शन बना के अपना टॉप राइट पे लेते हैं, ओके। अभी देख सकते हो यार पोजीशन थोड़ा रिलीज़ हुआ मेरा। अभी इसको हम थोड़ा प्रेशर से खेलते हैं रेड को रिलीज़ करने के लिए। तो रेड भी रिलीज़ हो चुके हैं बाई तरफ। अभी क्या करते हम रेड को सिंगल खेल लेते हैं पहले। तो ये पॉट हुआ रेड। अभी देखिए जो मेरा टॉप राइट पे कनेक्शन शॉट है इसको हम खेलते हैं, और आगे की तरफ जो कॉइन है उसको रिलीज़ करते हैं। ओके, तो ये हुआ रिलीज़। तो अभी हम क्या कर सकते हैं ना, जो मेरा जो ओपन कॉइन है उससे हम बाई तरफ जो मेरा फंसे हुए कॉइन है उसको हम रिलीज़ करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे उसको, हम सिंगल ही खेलेंगे अपना टॉप राइट पे। और जो आखिर में जो कॉइन है उसको हम अपना बॉटम राइट पे रिबाउंड खेलेंगे। तो ये लास्ट शॉट अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ओके गाइस। ओके भाई लोग, तो ये वाला भी एक ब्रेक टू फिनिश था, आप लोग एंजॉय करते रहिए बिना स्किप किए। इसको हम लेते हुए थोड़ा रिलीज कर लेते हैं अपना पोजीशन को। दाएं तरफ जो मेरा कॉइन है इसको हम खेल लेते हैं अपना टॉप राइट पे। इसको हम खेल लेते हैं अपना टॉप लेफ्ट पे, और थोड़े हद तक रिलीज़ कर लेते हैं पोजीशन को। तो थोड़ा हद तक रिलीज़ हुआ मेरा पोजीशन, आप लोग देख सकते हो। अभी इसको हम लेते हुए थोड़ा स्ट्राइकर को खींचेंगे बंच को रिलीज़ करने के लिए, थोड़ा हद तक हुआ। तो अभी हम क्या करते हैं, ये वाला जो नीचे मेरा फ्रेम पे कॉइन है इसको हम थोड़ा प्रेशर से खेलते हैं रिलीज़ करने के लिए। तो ये भी कुछ हद तक रिलीज़ हुआ मेरा पोजीशन। तो अभी देखिए हम बाएं तरफ जो मेरा रेड है उसको हम थोड़ा क्रॉस खेलेंगे, जो सेंटर पे जो पक है उसको रिलीज़ करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो यार पोजीशन बहुत ही आसान हो गया, और हम आसानी से इसको फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ब्रेक टू फिनिश अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ओके। तो भाई लोग पहले हम इसको लेते हैं अपना टॉप लेफ्ट पॉकेट पे, और आखिर में जो कॉइन है उसको हम अपना टॉप राइट पे कनेक्शन बना के खेल लेते हैं, और बोर्ड को करते हैं फिनिश, और चल पड़ते हैं नेक्स्ट गेम प्ले की तरफ, जो कि है सिंगापुर प्लाजा 1 मिलियन टेबल का डिस्क फुल मूड का गेम प्ले। तो भाई लोग इस पे ना एक ट्विस्ट आया था ये वाला गेम प्ले पे, तो कैसा ट्विस्ट वो आप लोग देखते रहिए, स्किप मत करते हुए, ओके। पहले हम उसको जो टॉप में जो मेरा कॉइन है उसको हम लेते हैं अपना टॉप राइट पॉकेट पे,
अभी जो कनेक्शन है सेंटर पे उसको हम वो वाली कॉइन को हम लेते हैं अपना टॉप राइट पे। उसके बाद हम जो नीचे कॉइन है उसको लेते हुए थोड़ा बंच को रिलीज करने के लिए ट्राई करते हैं। ये वाली जो मेरा कॉइन है इसको लेते हुए थोड़ा बंच रिलीज करने के लिए ट्राई करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या होते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यार बंच तो रिलीज नहीं हुआ, वो तीनों जो कॉइन्स है मेरा फंसे हुए रह गए। तो अभी ऊपर जो कॉइन है उसको लेते हुए हम उस तीनों कॉइन्स को रिलीज नहीं कर पा रहे, तो हमको उसको सिंगल ही खेलना पड़ेगा पहले। तो चलिए इसको खेल लेते हैं सिंगल अपने टॉप लेफ्ट पॉकेट पे। तो अभी यार जो होता है ना मेरे तरफ से टर्न उधर जाता है ओपोनेंट की तरफ, और उसके बाद क्या होता है वो आप लोग देख लीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाइज आप लोग देख सकते हो भाई क्या हुआ था मेरा ओपोनेंट भैया के साथ। ओके, तो भाई एक ही बात बताना चाहते हैं आप लोगों को कि भाई आप लोग ना गेम लीव मत मारिए, एंड तक बने रहिए गेम पे, कुछ भी हो सकता है यार गेम प्ले पे, ठीक है। तो अभी देखिए इसको हम सिंगल खेलते हुए टॉप राइट पे, और जो आखिर में जो कॉइन है इसको हम अपना बॉटम राइट पे खेलेंगे रिबाउंड हुक शॉट लेके। ये भी एक इनडायरेक्ट अच्छा इनडायरेक्ट शॉट है, इसको भी आप लोग सीख लीजिए। ओके, और बस इस वीडियो के लिए और हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आगे दो अच्छा अच्छा गेम प्लेज है, और वो वाला जो थंबनेल वाला जो शॉट हम दिखाए अगला गेम प्ले पे वो वाला शॉट है। तो स्किप मत करते हुए पूरा एंड तक वीडियो पे बने रहिए, और बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं फिर कल दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। Cause I'm nothing and feeling it, touch me and being it, see what I see in it. I'm typical, messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't, for you lose control. Bittersweet melody, when I dance on your floor, cause I know what you don't. Got so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let go of the rules, cause that's so much fun. Are you loving the feeling? It touch me, are you in it? Don't see what you're seeing, but typical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, please let it go. Oh, no, think I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody when I dance on your floor, cause I know what you don't, it is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? पेली की नागिन निकाली, मुन्ना पे डोला या लगला, पेली की नागिन निकाली। Does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up. How sad.